still like a DNA sequencer. You will find that these 50% of the microbiologists says that this is a protozoan, this is a parasite. If you grow this organism on a fungal media like sandwich, vegetables, etc., it will not grow on any fungal drugs. Organism is classified in fungi. Now microbiologists have been settled on this point that pneumocystis transmission of pneumocystis inside DNA is uncertain. But it is thought that due to it causing disease in lung tissues, there may be some inhalation factors which causes the transmission of disease. They take the students purely on merit. They do not accept the donation. They don't ask for extra money, while all the other medical colleges, they sell their seats. Its functioning, its structure, and its cellular functioning. Function at the cellular level. मैं डॉक्टर अनीता, मेरा नाम है, और ये हमारा इस मुहियुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज का डाइसेक्शन हॉल है। इसमें हमारा इस तरीके से होता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड ईयर MBBS सेकंड प्रोफेशनल की जो स्टूडेंट्स, उनका ये डाइसेक्शन एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल है। इसमें सबसे पहले हम इनको मॉडल्स पर, उसके बाद जो हमारी डेड बॉडी है उस पर डाइसेक्शन की स्टडी करवाते हैं, फिर उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं यहाँ आकर। आई एम डॉक्टर एन एम आरिफ एंड आई एम फ्रॉम झेलम एंड आई एम स्टडिंग इन मोहियुद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज विच इज़ द बेस्ट कॉलेज एवर आई थिंक एंड वी आर इन एनाटॉमी सेमिनार रूम एंड वी आर स्टडिंग द हिप बोन एंड वी आर स्टडिंग द लोअर लिम्ब फर्स्ट And we are studying the hip bone, which were taught by Sir Rohit. And the other teacher and the faculty is good here. And we are teaching properly by the teachers here. इस वक्त हम म्यूजियम में खड़े हैं, शेल्फ्स में आप स्पेसिमेन देख रहे हैं हर चीज़ के, पूरी बॉडी के। इधर स्टूडेंट्स को बराह रास्त सेल्फ डिटर्मिनेंट स्टडी कराई जाती है, वो खुद भी कर सकते हैं बगैर टीचर के, और टीचर साथ हो तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट होता है। इसमें बोन्स हैं पूरी बॉडी की, हार्ट नज़र आ रहा है, टिश्यू नज़र आ रहा है, हेड एंड नेक नज़र आ रहे हैं, ब्रेन टिश्यू नज़र आ रहा है। तो ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत आसान तरीके से, और स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पिक करते हैं बॉडी पर भी और स्पेसिमेन पर भी, और इधर वो एक्स्ट्रा टाइम लगा कर चीज़ें मज़ीद आसानी से सीखते हैं।
आई एम आयशा हालिक, सेकेंड ईयर प्रॉफ, और जो आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ पैरासिम्थोलाइटिक ड्रग्स ऑन द रैबिट आई। तो जो हमने इसके लिए ड्रग यूज़ की है वो टोपकम आइड है, हमने रैबिट पे ये की है, तो इससे माइड्रेसिस हुई है, इसका पीपल डायलेट हुआ है। इसके हम पहले इसका जो रैबिट का साइज़ है वो मैयर करते हैं, फिर जो बिफोर मेडिसिन उसका साइज़ मैयर करते हैं, प्यूपिल का साइज़, आफ्टर मेडिसिन हम फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, मतलब डायलेट हुआ है या नहीं, और अगर माइओसिस कहते हो उस तरह।